दोस्तों कल मैं आपके काफी सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, जब मैं कल आपके काफी सारे कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैक्सिमम आप जैसे शानदार यूट्यूबर्स ने कमेंट्स किए कि सर एशिया कप 2023 आने वाला है और इसके बाद में वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो ये दोनों के दोनों जो महा इवेंट आने वाले हैं, इससे पहले थोड़ा सा हमें चैनल के बारे में आइडिया दीजिए। हमें यूट्यूब पर ऐसे कौन कौन से चैनल्स हैं जो कि क्रिकेट के कैटेगरी में बेस्ट होते हैं, इन पर हम चैनल बना के जल्दी से ग्रो कर जाए और थोड़ा सा हम भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ पैसा कमा पाए। तो मुझे लगता है ये आपका कुछ वाजिब क्वेश्चन था और वाकई में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि चार ऐसे शानदार क्रिकेट चैनल के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। यदि आप इन टॉपिक्स पर अपना चैनल बनाते हैं और उस पर मेहनत करते हैं दोस्तों, आपका चैनल न केवल जल्दी से ग्रो होगा बल्कि आपके पास एक मोटा पैसा कुछ ही दिनों में आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आज की इस वीडियो में जो भी चैनल के बारे में आपको आइडिया देने वाला हूं, पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ग्रो होगा और इस पर कितना पैसा है। समझ में आ गया? तो चलिए चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी चैनल आइडिया के बारे में बात करते हैं, वो भी क्रिकेट की कैटेगरी में, तो सबसे ज्यादा जो पैसा है वो एक ही चैनल पर है, वो है फैंटेसी क्रिकेट चैनल। अब दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों को फैंटेसी क्रिकेट चैनल के बारे में पता होगा, आप में से काफी सारों को हो सकता है ना भी पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं जो फैंटेसी क्रिकेट चैनल्स होते हैं वो इस प्रकार के चैनल्स होते हैं। आपने देखा होगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जो फैंटेसी क्रिकेट चैनल है वो इस समय फैंटेसी क्रिकेट गुरु है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो बंदा है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बंदे का नाम है सैफ इब्राहिम। इस चैनल पर कितनी अर्निंग है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो सैफ भाई हैं, एक दिन एक बहुत बड़ा एक न्यूज चैनल था जिस पर ये इंटरव्यू दे रहे थे, जिस इंटरव्यू में एक एंकर ने इनसे इनकम पूछा था, अच्छा इब्राहिम भाई आप मुझे एक बात बताइए कि आप अपने जो फैंटेसी क्रिकेट गुरु ये चैनल है आपका, इससे टोटल आप कितना पैसा एक महीने में कमा लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने कितना शानदार जवाब दिया, आप खुद अपनी कानों से सुन लीजिए। तो ये भी बता दो कि मंथली इनकम कितनी है। मंथली इनकम ऐसे चेंज भी होते रहते हैं। इतना बता सकता हूँ कि मैं अभी पर मंथ एक लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूँ। दोस्तों मुझे लगता है आपने सुन लिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये जो फैंटेसी क्रिकेट चैनल्स होते हैं इसमें कितना ज्यादा पैसा है। यानी कि जो सैफ भाई है वो कह रहे हैं यदि मैं चाहूं तो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक महीने में एक लैम्बोर्गिनी बुक कर सकता हूं, एक लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूं। और दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझते हैं जो लैम्बोर्गिनी की जो प्राइस होती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतनी इसकी प्राइस होती है। समझ में आ गया? तो इतना पैसा ये सैफ भाई अपने फैंटेसी क्रिकेट चैनल से कमाते हैं। और मुझे लगता है देखिए दोस्तों जितना पैसा फैंटेसी क्रिकेट चैनल में है उतना पैसा शायद यूट्यूब पर अभी तक किसी भी कैटेगरी में नहीं है। इवन आप टेक कैटेगरी ले लो, ज्यादातर आप में से काफी सारे लोगों को दिमाग में आता है कि सबसे ज्यादा जो पैसा वो टेक कैटेगरी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना पैसा फैंटेसी क्रिकेट फील्ड के अंदर है इसका आधा भी पैसा टेक कैटेगरी में नहीं है। समझ में आ गया? तो मुझे लगता है इस प्रकार का आप चैनल बना सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं आखिर इस प्रकार का चैनल आप कैसे बनाएंगे और आप इस पर कैसे काम करेंगे। दोस्तों देखिए यदि आपको क्रिकेट के फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट है और थोड़ा बहुत जानकारी आप क्रिकेट के फील्ड में रखते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता इस प्रकार के चैनल में। इस प्रकार के चैनल में आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारा, यदि आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे तो बहुत सारे फैंटेसी ऐप होते हैं, उन ऐप पर जाकर आप अपनी खुद की टीम बना सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ये जो फैंटेसी क्रिकेट चैनल्स होती है कुछ भी नहीं करते, शानदार तरीके से जो बहुत सारे जो फैंटेसी ऐप होते हैं इसको ये डाउनलोड करवाते हैं। डाउनलोड करने के बाद में उन फैंटेसी ऐप पर आपको अपनी क्रिकेट की टीम चुननी होती है, ठीक है। यदि आपकी क्रिकेट की जो चुनी हुई टीम है यदि वो जीत गई तो यहां पर यानी कि जो फैंटेसी ऐप्स होते हैं यहां पर आप पैसा जीत सकते हैं। एक तरह से पैसा इसमें लगाना होता है और जीत गए तो उसका पैसा काफी ज्यादा हमें रिटर्न में मिलता है। हालांकि दोस्तों मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आपको फैंटेसी जो क्रिकेट चैनल्स है या फिर फैंटेसी क्रिकेट
जो वीडियोस हैं इन पर पैसा लगाने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। पहले आपको सीखना चाहिए, उसके बाद ही कहीं पैसा लगाना चाहिए। दोस्तों देखिए, इसमें कुछ भी नहीं होता, बस आपको अपनी टीम बनानी होती है, उस पर पैसा लगाना होता है। उसके बाद यदि आपकी बनाई हुई टीम जीत जाती है तो बस आप पैसा जीत गए। इस प्रकार यहां पे काम करना होता है। लेकिन ये जो फैंटेसी जो क्रिकेट चैनल्स होते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों? ये कुछ भी नहीं करते, बस जो आपके द्वारा जो बनाई गई टीम होती है उसके बारे में ये प्रेडिक्शन करते हैं, उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि आपने जो टीम बनाई है उसमें आपने कौन कौन सा जो प्लेयर्स है वो लिया है, और ये जो अपकमिंग मैचेस हैं जो कि आप टीम बनाकर एक तरह से खिलवाने वाले हैं, ये मैच आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, उसके बेसिस पर एक तरह से फैंटेसी के बेसिस पर ये प्रेडिक्शन करते हैं। समझ में आ गया? इनका इतना सा काम होता है। हाँ, इसके लिए आपके पास थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए क्रिकेट के फील्ड में, और धीरे धीरे जब आप काम करते हैं ना, तो इस प्रकार की जो नॉलेज जब आपको आ जाती है डे टू डे काम करने से। इनको भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। इन्होंने कई इंटरव्यू के अंदर बताया है कि जब मैंने फैंटेसी क्रिकेट गुरु जो चैनल है जब मैंने ओपन किया था तो स्टार्टिंग मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं काम करता चला गया उसके बाद मुझे नॉलेज जब होती चली गई, और इसी नॉलेज को मैं लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता हूं, उसके बाद धीरे धीरे मेरा चैनल चलने लगा और अच्छे खासे लेवल पर आज पैसा कमाता हूं। तो दोस्तों देखिए, जब कोई भी काम आप करते हैं ना, धीरे धीरे उसमें आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है और एक समय के बाद उसमें आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा पहला चैनल जिस पर आप आसानी से अपना खुद का चैनल क्रिएट करके इस टॉपिक पर फैंटेसी क्रिकेट पर आप बना सकते हो, बहुत ही मोटा पैसा आप कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले क्रिकेट चैनल, जो कि हाइलाइट्स है। दोस्तों देखिए, जो हाइलाइट्स के क्रिकेट चैनल्स होते हैं आपने काफी सारे देखे होंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो हाइलाइट्स वाले जो वीडियोस होते हैं, क्रिकेट हाइलाइट्स के जो वीडियोस होते हैं, ज्यादातर ये इस प्रकार के चैनल्स पर पब्लिश होते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको मैच से रिलेटेड हाइलाइट्स हैं वो अपलोड करनी होती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एशिया कप 2023 अब स्टार्ट होने वाला है अगस्त की एंडिंग में। अब जब एशिया कप चलेगा, आपस में दो टीमें भिड़ेंगी, तो उससे रिलेटेड कई प्रकार के हाइलाइट्स हैं वो निकलेंगे। जैसे कि करंट हाइलाइट्स, कौन सा जो मैच है वो कब होने वाला, ये भी निकल के आएगा। आखिर मान के चलो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो इंडिया की जो टीम है वो इस तरीके से ताकतवर एशिया कप में, आप इससे भी हाइलाइट्स बता सकते हैं। पाकिस्तान की टीम किस तरीके से पावरफुल है, इसका भी हाइलाइट्स दिखा सकते हैं। दोनों के जो प्लेयर्स हैं उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, बैट्समैन और बॉलर दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के हाइलाइट्स वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये जो हाइलाइट्स क्रिकेट चैनल्स होते हैं, ये अपने चैनल पर मैच के दौरान भी काफी ज्यादा हाइलाइट्स डालते हैं। मान के चलिए आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो जिसमें विराट कोहली ने अच्छे से रन है उसको मार दिए, अच्छे शतक मार दिए, या फिर अच्छे से सिक्सर फोर मतलब अच्छे से लगा दी, अच्छा सा परफॉर्मेंस दिखा दी, तो उस कंडीशन में ये डायरेक्टली किसी भी प्लेयर के बेसिस पर भी अपने चैनल पर जो एक तरह से हाइलाइटेड वीडियोस है वो अपलोड करते हैं। तो इस प्रकार का जो वीडियो बनाना बहुत ही आसान होता है, बस आपको वो टॉपिक को चूज करना होता है और ढंग से वॉइस ओवर करनी होती है और डायरेक्टली वीडियो बन जाता है। दोस्तों फायदा ये होता है कि आप को अच्छी तरीके से मालूम है कि जो क्रिकेट है वो बहुत बड़ा एक अपने आप में कैटेगरी, और लगातार क्रिकेट चलती रहती है। अभी एशिया कप होगा, एशिया कप के बाद जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा, वर्ल्ड कप के बाद भी बहुत सारा जो सीरीज है वो चलता रहता है, फिर टेस्ट होगा, T20 होगा, IPL होगा, इस प्रकार की बहुत सारी चलती रहती है लगातार। तो मैच के दौरान हाइलाइट्स लगातार निकलते रहते हैं, तो आप केवल यदि हाइलाइट्स वेट चैनल बनाते हैं तो बहुत बड़ा स्कोप आपको मिलता है, और साथ ही कंटेंट की इसमें कोई भी कमी नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप अच्छे से हाइलाइट अपने वीडियो पर पब्लिश करते हैं तो ऑडियंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसमें इंटरेस्ट लेती है हाइलाइट्स वीडियो के अंदर, क्योंकि हाइलाइट्स के माध्यम से जो ऑडियंस को मसाला चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होती है, जो कि सबसे ज्यादा ऑडियंस के द्वारा वीडियो देखी जाती है। तो यह भी काफी बेहतर एक तरह से कैटेगरी है, यह भी बेहतर एक तरह से टॉपिक है जिस पर आप चैनल बना के एक अच्छे खासे लेवल पर व्यूअरशिप उसको हासिल कर सकते हैं। और आपको पता है व्यूअरशिप यूट्यूब पर सब कुछ होती है, व्यूअरशिप ज्यादा तो पैसा ज्यादा, व्यूअरशिप कम तो पैसा कम। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइलाइट्स वीडियोस है वो कैसे बनाए जाते, तो किस तरीके से इसकी चैनल की ग्रोथ होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे सबसे इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट टॉपिक, जो है क्रिकेट न्यूज चैनल। दोस्तों आपने देखा होगा इंडिया के बहुत बड़े न्यूज चैनल्स जैसे कि न्यूज 24 स्पोर्ट्स, आप अपनी
स्क्रीन पर इसका नाम ही देख सकते हैं, इसका नाम ही न्यूज 24 स्पोर्ट्स है। समझ में आ रहा है इसका मतलब 24 घंटे क्रिकेट की न्यूज, समझ में आ रहा है। तो ये भी एक न्यूज चैनल है, सेम टू सेम आप भी इसी प्रकार का न्यूज चैनल ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो क्रिकेट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आता है उसको अपने चैनल पर अपलोड करना होता है। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्रिकेट की लगातार सीरीज चलती रहती है, क्रिकेट के लगातार हाइलाइट्स आपको मिलती रहती है, क्रिकेट की जो न्यूज है इसकी कभी भी कमी नहीं पड़ती। कभी बीसीसीआई ने कुछ कह दिया, कभी क्रिकेटर्स में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कभी जो हमारी इंडियन टीम है कहीं दौरे पर जा रही है तो उसके हाइलाइट्स उसकी न्यूज निकल के आएगी। यानी कि जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी न्यूज आ रहा है उसको आप अपने चैनल पर पब्लिश कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जिसमें कंटेंट की कभी कोई कमी नहीं आती। समझ में आ रहा है, कंटेंट की कभी कोई कमी नहीं आती। और सबसे खास बात यह है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इंडिया के अंदर क्रिकेट की कितनी फैन फॉलोइंग है। हर चार में से एक बच्चा क्रिकेट का दीवाना है और क्रिकेट के वीडियो देखना पसंद करता है। न केवल क्रिकेट के वीडियो देखना पसंद करता बल्कि क्रिकेट खेलना भी पसंद करता है। तो इस बेसिस पर आप देख सकते हैं कि जो क्रिकेट न्यूज चैनल्स होते हैं वो कितना ज्यादा व्यूअरशिप हासिल करते हैं। आप न्यूज 24 स्पोर्ट्स का देख लो, इसके हर एक वीडियो पर आपको 30,000, 40,000, 50,000 इस प्रकार के पर वीडियो व्यूज मिल जाएंगे। और इतने व्यूज पर एक वीडियो के माध्यम से बड़ी आसानी से ये 5,000 के आसपास पैसा कमा सकता है। तो मुझे लगता है, देखिए ये जो न्यूज चैनल्स होते हैं बहुत ही ग्रोथिंग एक तरह से न्यूज चैनल्स होते हैं, बहुत ही जल्दी ग्रोथ करते हैं क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं होती। और दूसरी बात, इस प्रकार के जो अपडेट्स हैं वो लोग देखना पसंद करते हैं जिसकी वजह से इन पर व्यूअरशिप है वो बहुत ही ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये आप भी एक तरह से इस प्रकार का चैनल बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में न्यूज चैनल पर स्ट्रगल करना पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों देखिए स्टार्टिंग में कोई जब हम चैनल बनाते हैं तो उसमें भाई देखो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर जितने भी न्यूज चैनल्स आप देख रहे हैं, चाहे वो न्यूज 24 स्पोर्ट्स वाला, कि ये तो बहुत बड़ा क्रिकेट का चैनल है, लेकिन मैं इसके अलावा जो भी न्यूज चैनल के बारे में हम बात करें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन सभी न्यूज चैनल ने एक ही दिन में अपनी ग्रोथ है वो हासिल नहीं की थी। लगातार काम करने से, पेशेंस रखने से, मेहनत करने से एक समय के बाद आपके चैनल पर वीडियो चलने लगती है। और एक बार यदि आपके चैनल पर क्रिकेट की ऑडियंस डेवलप हो गई उसके बाद फिर आपको सोचना नहीं है, केवल वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, कंटेंट की इसमें कमी नहीं होती है। तो मुझे लगता है ये तीसरा वन ऑफ द बेस्ट है। यदि कंटेंट आपको चाहिए सफिशियंट अमाउंट में, कंटेंट आपको कंटेंट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, इस प्रकार का आपको यदि चैनल बनाना है तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार का आप चैनल बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट क्रिकेट चैनल की, जो है प्रेडिक्शन चैनल। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे इस प्रकार के यूट्यूबर्स क्रिकेट के अपने अपने चैनल पर प्रेडिक्शन करते रहते हैं। जैसे कि मान के चलो एशिया कप है, एशिया कप में बहुत सारी टीमें हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली है, तो बहुत सारे क्रिकेट जो कि प्रेडिक्शन बेस्ड चैनल्स होते हैं वो अभी से प्रेडिक्ट करने लगे हैं कि एशिया कप 2023 है वो कौन जीतेगा, अभी से प्रेडिक्ट करने लगे हैं कि जो पहला मैच होने वाला एशिया कप का ये कौन जीतेगा, इंडिया पाकिस्तान का जो पहला मैच होने वाला उसमें किस टीम की कितनी बड़ी भूमिका हो, कितनी बड़ी दावेदारी है मैच जीतने की, अभी से प्रेडिक्शन करने लगे हैं। दोस्तों देखिए इस प्रकार का जो चैनल्स होता है इसमें आपको जो प्रेडिक्शन करना होता है इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको एक चीज करना है, आपको थोड़ा सा टीम के बारे में जानकारी होना चाहिए, आपको जहां पर जो मैच हो रहा है उस जगह के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, जिस पिच पर मैच होने वाला उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आप यदि हासिल करते हैं और अपनी वीडियो के अंदर यदि आप वॉइस ओवर करते हैं या फिर वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने रखते हैं तो इस पर अच्छा खासा व्यू आता है। और दोस्तों ये जो प्रेडिक्शन बेस्ड चैनल्स होते हैं ना इस पर भी बहुत ज्यादा कमाई है। जितना फैंटेसी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर है उतना ही प्रेडिक्शन बेस्ड क्रिकेट चैनल पर है, बराबर एक तरह से इनकम होती है। और आप यदि गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी है जो कि प्रेडिक्शन बेस्ड क्रिकेट चैनल्स को सपोर्ट करते हैं। यानी कि आप डायरेक्टली यदि गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो काफी सारे आपको ऐसे ऐप मिल जाएंगे जहां पर आप खुद की टीम बनाकर आप प्रेडिक्शन के बेसिस पर आप खुद की टीम बनाकर वहां पर पैसा लगाकर मैच जीत सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कोई भी काम करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। मैं किसी भी ना ही कोई प्रेडिक्शन वाले ऐप को प्रमोट करता हूं, ना ही कोई फैंटेसी जो क्रिकेट ऐप होता है इसको प्रमोट करता, जब तक दोस्तों आपको नॉलेज नहीं है तब तक आपको बिल्कुल भी एक रुपए कहीं पर भी नहीं लगाना है। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये थे वो चार सबसे इंटरेस्टिंग चैनल्स जिस पर आप क्रिकेट का चैनल बनाकर आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों देखिए एट द एंडिंग में लास्ट में जाते जाते आपसे एक ही चीज कहूंगा,
चैनल, चाहे आपका फैंटेसी का हो, प्रेडिक्शन का हो, हाइलाइट्स का हो, या फिर कोई भी न्यूज चैनल्स हो, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे किसी भी चैनल पर, जब तक आप उस चीज के बारे में नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, तब तक आपका जो चैनल है दोस्तों वो ग्रो नहीं होगा। फाइनली देखिए, हम कहीं पर भी यदि जाते हैं, चाहे जॉब करने के लिए जाएं, प्राइवेट जॉब करें या फिर गवर्नमेंट जॉब करें, तो दोस्तों मेहनत दोनों जगह ही हमें करनी होती है। बिना मेहनत के पैसा कहीं पर भी नहीं है, चाहे आप ऑफलाइन में चली जाइए या फिर ऑनलाइन में आ जाइए। समझ में आ गया? तो जब भी कोई चैनल बनाने का डिसीजन लें, तो एक बार सोच समझ के डिसीजन लें कि आपको किस कैटेगरी में चैनल बनाना है। केवल कैटेगरी में चैनल बनाने से कुछ नहीं होता, आपको खुद की मेहनत भी करना होती है। समझ में आ गया? तो मुझे लगता है अब आपको मैंने चैनल के बारे में आइडिया दे दिया, अब मर्जी आपकी, ऑप्शंस आपके पास है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस जो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, आप यहां से जुड़िए, डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लाइव आता हूं और आप जैसे शानदार यूट्यूबर से बात करता हूं। इस वीडियो में इतना ही, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।